नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका deepasoni.com पर। आज हम बात करेंगे कि मासिक धर्म के कितने दिन बाद कोई भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। यह वीडियो उन महिलाओं के लिए है जो यह सर्च करती हैं या यह जानना चाहती हैं कि प्रेग्नेंट होने के लिए सही समय क्या है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को पूरी तरह से फॉलो करोगे तो आप ज़रूर सक्सेसफुल होगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सी महिलाओं को पता नहीं होता है और यह जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी का सही समय क्या है। इसके कारण हमने ये वीडियो बनाई। प्रेगनेंसी की सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आपसे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महिलाओं के साथ साथ पुरुष के लिए भी यह बात उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर महिला गर्भवती होना चाहती है लेकिन दोनों दाम्पत्य असफल हो रहे हैं तो दोनों पति पत्नी को जाकर डॉक्टर के पास टेस्ट करवाना चाहिए, लेकिन सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर का चुनाव कर लेना चाहिए। डॉक्टर उस समय कुछ टेस्ट करवाने को कहेगा और उससे संबंधित सारी प्रॉब्लम डॉक्टर के सामने आ जाएंगी, जिससे प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन डॉक्टर आपको बताएगा और उससे संबंधित आपको कुछ दवाइयां भी देगा। ये दवाइयां कभी एक बार में, कभी कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में आपको ज़रूर फ़ायदा करेंगी और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी, जिससे आप माँ बनने में समर्थ हो जाएंगे। यह आपके लिए बहुत ही सहायक साबित होगा। इसके अलावा महिलाएं ये भी जानना चाहती हैं कि महिला मासिक धर्म के कितने दिन बाद कोई भी औरत माँ बन सकती है। यदि आप मासिक धर्म के बाद प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपका मासिक धर्म जिस दिन बंद होता है उसके दूसरे दिन इंटीमेट होने से या संबंध बनाने से प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। मतलब कि अगर मासिक धर्म आपका 10 तारीख को बंद हुआ है तो 11 तारीख को संबंध बनाने से प्रेग्नेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, प्रेगनेंसी के लिए महिला और पुरुष दोनों को मानसिक रूप से तैयार होना बहुत आवश्यक है और महिला को सभी प्रकार के टेंशन से दूर रहना चाहिए और अपने खान पान का विशेष ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रकार के मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी के लिए आपको ओवल्यूशन का समय पता होना चाहिए। इसके लिए आपका मासिक धर्म अगर रेगुलर होता है तो प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। किसी भी महिला के जो मासिक धर्म होते हैं वह 21 दिन से 35 दिन के अंदर दोबारा आते हैं। यदि आप गर्भवती होना चाहती हैं तो पीरियड के ख़त्म होने के बाद 5वें दिन से लेकर आने वाले 7वें दिन तक यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। यह विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया है। यह समय इसलिए सही माना जाता है क्योंकि यह समय ओवल्यूशन का समय होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मासिक धर्म के ख़त्म होने के 7 दिन बाद से मासिक धर्म दोबारा आने के 7 दिन पहले तक का समय ओवल्यूशन का समय है और यह प्रेगनेंसी के लिए सही माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपना परिवार बढ़ाना चाहते हैं तो इन दिनों का ख्याल रखें। इन सब के बाद भी अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।